सराय बागपत उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं। महाराज श्री नमोस्तु, मित्रता एक ऐसा संबंध है जो बिना कुंडली मिलाए, वगैर पंडित से पूछे, वगैर गुड़ मिलान के, बिना इष्ट आराध्य के स्थापित होने वाला है और जीवन भर साथ निभाने वाला संबंध भी है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि ऐसा संबंध हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मित्रता के लिए कुंडली नहीं मिलानी पड़ती, पंडित से नहीं मिला जाता है, लेकिन जीवन भर साथ निभ जाता है। पर जिसके लिए जीवन भर साथ निभाने के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए पहले कुंडली मिलाते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल को थोड़ा मोड़ता हुआ ये कहूँगा कि मित्रता के लिए कुंडली क्यों नहीं मिलाते और विवाह के लिए कुंडली क्यों मिलाते हैं? पता है आप लोग, मित्रता में कुंडली नहीं मिलाते और विवाह में कुंडली क्यों मिलाते हैं? यहाँ तो ज़्यादातर लोग हैं जिनकी विवाह हो चुके हैं और नहीं हैं तो तैयारी हैं, बचे हुए तो हम ही लोग हैं, है ना? और कुंडली आप लोग मिलाए भी होंगे, मिलाते भी हैं, क्यों मिलाते हैं कुंडली बोलो? हाँ, गुण क्या मिलाए, मतलब क्यों, उद्देश्य क्या है? गुण ना मिले तो क्या होगा? हाँ, केवल इसलिए मिलाते हैं कि कोई खतरा न रहे, समझ गए? तो जिससे संबंध जुड़ रहा है ना, उससे खतरे की संभावना, इसलिए डर के मारे पहले कुंडली मिला लेते हैं। और दोस्ती में कोई खतरे की चांस नहीं, इसलिए कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, मन अपने आप मिल जाता है, समझ गए? बंधुओं, एक बात हमेशा समझनी चाहिए, कुंडली मिलान के लिए तो मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं, मैं इसके पक्षधर नहीं हूं, मैं कहता हूं कुंडली बाद में मिलाओ, मन पहले मिलाओ। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, हालांकि प्रद्युमन शायद मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो कुंडली वाले है ना, लेकिन 36 गुण मिले और 36 का आंकड़ा बहुत है। एक आध दो यहां भी बैठे होंगे, कोई ऐसे है तो बता दो, अब बड़ी मुश्किल हो जाएंगे महाराज, 36 गुण मिलने की बात तो कर देंगे पर 36 का आंकड़ा बोलने में कठिनाई होगी। पर बहुतों को देखा है और बहुत ऐसे भी हैं जिनने कोई कुंडली नहीं मिलाई और जिंदगी बहुत अच्छे से चली। सबसे बड़ी बात मेंटल वाइब्रेशन के मिलने की है। जिसके प्रति सहज आकर्षण और खिंचाव हो जाए, समझ लो कुंडली मिल गई। मन मिलाने की भावना अगर जग गई तो समझ लो कुंडली मिल गई, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। जीवन भर साथ निभने वाली मित्रता कैसे बनाए, जो मूल सवाल है। बात केवल यही है, मित्रता कब निभती है और कब टिकती है? जब विचार मिलते हैं, पहली बात। समानस शीलम व्यसनेषु सख्यम, विचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं। जिनके विचार परस्पर में मिलते हैं, जिनके संस्कार परस्पर में मिलते हैं, उनकी मित्रता बहुत लंबे समय तक टिकती है। और जिनके विचारों में टकराव, जिनके संस्कारों में अलगाव, उनकी मित्रता कभी टिक नहीं पाती। तो हम अपने विचारों और संस्कारों के अनुरूप मैत्री को बढ़ाने की कोशिश